दो बच्चों, सामान वामान सब इकट्ठा करके रख लिया तुम लोगों ने? हाँ चाचा जी। हाँ भाई, सफाई फाई तुम लोगों ने कर ली। आप इन्हें आज क्या बताने वाले हैं? बच्चों पिछली बार हमने तुम्हें बताया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताया था ना? हाँ चाचा जी। आज हम बताने जा रहे हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तब तो बड़ा मजा आएगा चाचा जी। हाँ चाचा जी। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि तुम्हें पुराना पाठ याद है कि नहीं है, जो हमें बताया था उसकी जानकारी तुमको है, इसलिए पहले तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हम तैयार हैं चाचा जी। देखिए चाचा जी, बच्चे कितने उत्साहित हैं आज कुछ नया सीखने के लिए। अच्छा तो राजू, जो तुमने सामान इकट्ठा किया है इसमें से एक सामान हमें ला कर दो, तो वहीं से दे दो हमें। लीजिए चाचा जी। ये क्या दिया राजू ने बच्चों? अरे भाई सबने पहचान लिया, लोहे का टुकड़ा है। और ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। अरे वाह राजू, इसका मतलब है कि पिछला सबक तुम्हें अभी तक याद है। अच्छा अब पिंकी तुम एक सामान उठा कर दो। लीजिए चाचा जी। ये पिंकी ने हमें क्या दिया? खड़िया। खड़िया पहचानते हो ना सब लोग? खड़िया है ये, किस काम आती है ये? श्याम पट पे लिखने के लिए और तथा दीवारों पे चित्र बनाने के लिए। अच्छा, दीवारों पर चित्र भी बनाने के काम आती है, यानी बहुत उपयोगी पदार्थ है। तो अब ये हमें बताओ, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। अच्छा, ये भी पदार्थ की ठोस अवस्था है। अब दीदी से कहें कि जरा सा ये मेज दीदी हमें इधर दे देंगी। हाँ, हाँ, अब मीना तुम आके इसको बैठ जाओ, जरा इसको पीसने के लिए देखिए घर में कुछ है। एक गिलास पानी दे। अब देखो हम इसका क्या करने जा रहे हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और देखो ये दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ चाचा जी। हमने इसका क्या बना दिया? चूरा। चूरा है, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ चाचा जी। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना, ये क्या लिया है, गिलास पानी है। हाँ, और ये जो हमने चूरा बनाया था इसको देखो हम पानी में ऐसे मिलाते जा रहे हैं, ठीक है? अभी तो तुम्हें छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, अब देखो हम इसको मिला दे रहे अच्छी तरह से, और ये पानी में देखना कि जैसे ठोस में कण दिखाई दे रहे थे, अभी चूरा में दिखाई दे रहे थे खड़िया के छोटे छोटे कण, क्या अब इस पानी में भी दिखाई दे रहे हैं? नहीं चाहिए चाचा जी। वो जो खड़िया के छोटे छोटे कण थे देखो जरा इसमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं चाचा जी। ध्यान से देख कर बताओ। नहीं चाचा जी। इसमें छोटे छोटे कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये ठोस को, जो ठोस खड़िया थी उसको हमने चूरा करके इतने छोटे छोटे कण कर दिए हैं कि पानी में मिलकर वो केवल आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात दूसरी है कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी, यानी एक यंत्र है जिससे छोटी चीज बड़ी होकर हमको दिखाई देती है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें खड़िया के छोटे छोटे कण हमें दिखाई देंगे, यानी खड़िया के छोटे कण पानी के कणों का आकार नहीं लिए, अभी भी उससे बड़े हैं, पूर्ण रूप से इसमें घुले नहीं है, लेकिन इतने छोटे हो गए हैं कि हमारी आंख उन्हें नहीं देख सकती, इसलिए हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखा बच्चों, विज्ञान का जादू, किस तरह खड़िया पानी के साथ मिल गई। हे चाचा जी, कौन सा नया प्रयोग करने जा रहे हैं? एक गिलास पानी दीजिए हमको, मिठाई तो बहुत अच्छी लगती है तुम लोगों को। अब देखो दीदी से हमने पानी मंगाया, देखो अब इसमें हम तुम्हें कौन सा खेल दिखाने जा रहे हैं। अब इस चीनी को देखो हम बिना चूरा किए, इसके तो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, अब इसको देखो हम बिना चूरा किए इस गिलास पानी में देखो गोले दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? शरबत। पानी में घोल कर देखो हम ये शरबत बना रहे हैं, चम्मच की सहायता से हम इनके कणों को हिला रहे हैं पानी के अंदर, और देखो धीरे 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 ये कण पानी में जब विलीन हो जाएंगे, यानी घुल जाएंगे, तो हमको फिर आंखों से दिखाई नहीं देंगे। देख रहे हो सब बच्चों? देख रहे हो ना जी चाचा। राजू तुम भी देख रहे हो? हाँ चाचा जी। और मीना तुम भी? हाँ चाचा जी। इनकी? हाँ चाचा। दूर बैठी दिखाई दे रहा है? दिख रहा है चाचा जी। अच्छा ठीक है, अब जरा बताओ तो कि चीनी के कण कहाँ गए?
चाचा जी, चीनी तो पानी में घुल गई। चाचा जी, चीनी तो पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं दे रही। हाँ, यही तो मैं बताने जा रहा हूँ कि चीनी के कण पानी में घुल कर इतने छोटे हो गए कि उन कणों ने पानी के कणों का आकार ले लिया। अब जब दोनों के कणों का आकार समान है तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे? और वास्तव में विज्ञान की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? तो चीनी पानी में घुल जाती है। और इसने चीनी के छोटे छोटे कणों ने पानी के अंतर अणुक स्थानों में अपना स्थान ले लिया है, यानी इसने अपना अस्तित्व पानी में खो दिया है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह चीनी पानी में घुलकर शरबत बन गया। अगर हम चीनी को वापस उसी रूप में लाना चाहें तो जानते हो कैसे? पानी को उबालकर। पानी को उबालने से क्या होगा बच्चों? पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और बचेगा क्या? चीनी का चूड़ा। हाँ, उसमें बचेगा चीनी का चूड़ा। चाचा जी, क्या पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? हाँ, द्रव पदार्थ भी उसी पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर पानी को विभाजित करते हैं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो गैसों में टूट जाता है, और यही पानी के छोटे छोटे कण जिन्हें हम अणु कहते हैं, यही छोटे छोटे कण मिलकर बनाते हैं एक छोटी बूंद, और छोटी बूंदों से मिलकर बनती है बड़ी बूंद। और ये तो सब तुम लोग जानते ही हो कि बूंद बूंद सो क्या बने? सरोवर। हाँ, इसी से पानी से समुद्र बन जाता है। तो बच्चों, अब छोटे छोटे कणों की बात तुमने की है तो हम देखो तुमको। देखो बच्चों, दादाजी क्या दिखा रहे हैं? अच्छा मीना, तुम बताओ। ये तो है चांदी का वर्क है ना दीदी? हाँ बिल्कुल ठीक, ये चांदी का वर्क है। हाँ। चाचा जी, ये तो बहुत पतला है, इसकी मोटाई कितनी होती होगी? हाँ, ये बहुत पतला है, महीन वर्क है। देखो इसको हाथ में पकड़ लेते हमारे हाथ में भी लग जा रहा, बहुत महीन है। देखो कितना महीन है ये, ना बहुत ही पतली पन्नी है चांदी की, और इसकी मोटाई है 1/10,000 मिलीमीटर। यानी यो समझ लो कि अगर हम 10,000 ऐसे चांदी की पन्नी मिलाएं तब उनकी मोटाई बनेगी 1 मिलीमीटर। तो दीदी हमको एक कपड़ा दे, इसको जरा भिगोइए तो पानी से, इसी में डाल दीजिए पानी में। देख रहे हो बच्चों क्या कर रहे हैं? एक कपड़ा लिया है, उसको पानी में भिगो लिया है। अब इसमें देखो हम तेल की एक बूंद डाल लें। देखा चाचा जी, एक बूंद तेल इतनी दूर तक फैल गया। अब देखो ये एक बूंद तेल है, अब देखो। देखो बच्चों, देखो कितना फैल गया ये है। एक बूंद तेल हमने डाला था और ये देखो कपड़े में काफी दूर तक फैल गया, दिखाई दे रहा है ना बीच में पीले पीले रंग का। हाँ, ये एक बूंद तेल कपड़े में बहुत दूर तक फैल गया है। सोचो इसमें कितने कण होते होंगे? उसमें तो असंख्य कण होंगे। हाँ, असंख्य कण होंगे। और इस महीन ये जो फिल्म बनी है तेल की, या ये जो परत बनी है तेल की, ये चांदी के वर्क से भी पतली है, और इसकी मोटाई होगी 1/10,00,000 मिलीमीटर। इसीलिए इसमें होंगे असंख्य कण। अब बच्चों, ये तो बात हो गई द्रव की, तो पदार्थ यानी ठोस पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और द्रव पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अच्छा बच्चों, ये बताओ अगर पानी को गर्म करें तो क्या बनेगा? भाप। हाँ बच्चों, और ये भाप पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था को समझने के लिए एक प्रयोग तुम लोग स्वयं करके देखो। ये लो, चलो गुब्बारे फुलाओ बच्चों। लो मीना, मोहन ये लो तुम। हाँ। मीना के पास पीले रंग का गुब्बारा और तुम्हारे पास कौन सा? लाल रंग का गुब्बारा। अब छोड़ दो इन्हें, पिंकी फुला रही है। अब क्या देखा बच्चों तुमने? सब गुब्बारे पिचक गए। क्या बता सकते हो राजू, गुब्बारा क्यों पिचक गया? क्योंकि इसके अंदर जो हवा विभाजित थी वो निकल गई। हवा भरी थी ना? हाँ। वो निकल गई। हाँ। फिर से फुलाओ। अब ये क्यों फूल गया? क्योंकि इसके अंदर हवा भर गई। हवा भर गई। तो बता सकते हो हवा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। चाचा जी, क्या हवा भी कणों से मिलकर बनी है? बिल्कुल ठीक तुमने पूछा, हवा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, और हवा वास्तव में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य कुछ गैसों का मिश्रण होती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि हवा में जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनमें आकर्षण नहीं होता, वो काफी दूर दूर तक फैले होते हैं, और द्रव में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, और ठोस में यही कण बहुत पास पास हो जाते हैं, इसलिए वो ठोस है। जिसमें कुछ दूर दूर है वो द्रव है,
और जिसमें बहुत दूर दूर है यानी बहुत फैले हुए हैं वो गैस है, और हवा पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैसीय अवस्था है, और गैसीय अवस्था में भी उस पदार्थ के छोटे छोटे कण बच्चों उपस्थित रहते हैं। ठोस में भी छोटे छोटे कण, द्रव में भी राजू छोटे छोटे कण, और हवा में भी छोटे छोटे कण, यानी पदार्थों की रचना छोटे छोटे कणों से मिलकर हुई है। अब बच्चों चलते चलते हम एक सवाल तुमसे और पूछेंगे, पहली की तरह है, जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। क्या ऐसा कोई पदार्थ बता सकते हो जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रह सकता हो? नहीं मालूम चाचा जी। राजू तुम्हें नहीं मालूम? मोहन तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुम्हें नहीं चाचा जी। और मीना? नहीं चाचा जी। अरे भाई किसी को नहीं मालूम तो ये पहली का उत्तर तो हम ही को देना पड़ेगा। ये पदार्थ है पानी, अगर पानी को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा? तो बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था है? हाँ, यानी कम तापमान पर ये ठोस रूप में भी रह सकती है, और अगर हम इसे गर्म कर दें भाप तो क्या बन जाएगी? भाप। और भाप कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। यानी पानी, और पानी स्वयं तो द्रव अवस्था है ही, यानी पानी में जरा से तापमान के अंतर पर हम इसे ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में भी रख सकते हैं, जबकि अन्य पदार्थों में ठोस को द्रव में और द्रव को ठोस गैस में बदलने के लिए हमको बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक है।